विपक्षी गठबंधन इंडिया में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल मंगलवार को मुकेश सहनी ने अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि अब निषाद दिल्ली वालों के साथ नहीं है, निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण की बात करेगा। सैनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाएंगे तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। मुकेश सैनी ने केंद्र सरकार को नौकरी के सवाल पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आज 9 साल के बाद भी 9 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान किया, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह निषाद, बेलदार, केवट और मल्लाह को नौकरी में आरक्षण देने में विफल रहे। सैनी ने साफ लहजे में कहा कि निषादों को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अब हमें अपने बच्चों की नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान सैनी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी उसी गठबंधन से हाथ मिलाएगी जो इनकी जाति को नौकरी में आरक्षण प्रदान करेगा। वीआईपी सुप्रीमो के इस बयान को जोड़कर देखा जाए तो उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी बीच वीआईपी के एक नेता का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जेडीयू और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क है, जिसके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं वीआईपी नेता के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं देखे तो सहनी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास पर मोहर लगती नजर आ रही है। हालांकि वीआईपी नेता ने कहा कि अंतिम निर्णय मुकेश सहनी ही लेंगे। वीआईपी नेता ने यह भी कहा कि एक बात स्पष्ट है, हम भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने और विकल्प की संभावना तलाशने की जल्दी में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने गरीब, निषादों और मल्लाहों को आरक्षण देने में विफल रही बीजेपी को बेनकाब किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार बीजेपी निषादों को नौकरी में आरक्षण की मांग नहीं करने के शर्त के साथ मुकेश सहनी को एनडीए में हिस्सा बनाना चाहती है। गौरतलब है कि जुलाई में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी, आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा आर के पशुपति पारस को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र भेजकर आमंत्रण दिया था, लेकिन मुकेश सहनी को उस बैठक में नहीं बुलाया गया था। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल वीआईपी ने बोचहा सहित 4 सीटें जीती, मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। पिछले साल मुसाफिर पासवान के निधन होने के बाद बोचहा सीट खाली हो गई। बीजेपी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका मुकेश सहनी ने विरोध किया और वहां से वीआईपी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई। एक बड़े घटनाक्रम में वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं एमएलसी के रूप में मुकेश सहनी का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब ऐसे में मुकेश सहनी को चिंता सताने लगी है कि उनके राजनीतिक करियर में कहीं पूर्ण विराम ना लग जाए। आखिरकार सहनी ने निषाद को नौकरी में आरक्षण दिलाने का मुद्दा लेकर अपने समाज को एकजुट करने में उतर गए हैं। बता दें कि मुकेश सहनी जो हैं वह पिछले दिनों से लगातार निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा 100 दिन तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान वह 3 राज्यों का भ्रमण करेंगे। फिलहाल उनकी यात्रा चल रही है। वहीं यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को कई बार एनडीए और मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए देखा गया है। इस यात्रा के दौरान मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि नौकरी नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी जो है वह हो सकता है एनडीए में शामिल हों। वहीं वीआईपी के एक नेता ने भी कहा है कि आरजेडी और जेडीयू के कई नेताओं के साथ उनके संपर्क हैं, तो कहीं ना कहीं कयासों पर मुहर लगते हुए नजर आ रही है। लेकिन वीआईपी नेता ने यह साफ तौर पर कहा है कि अंतिम निर्णय मुकेश सहनी ही लेंगे। अब आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि मुकेश सहनी क्या इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होते हैं या फिर वह एनडीए में शामिल होंगे।
बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस वीडियो पर बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।